धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राजधानी लखनऊ में एसपी पश्चिम ने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन करने का निर्देश देते हुए लाउडस्पीकर संबंधित जानकारी देने की भी बात कही। वहीं एसपी ने बताया कि लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन सख्त है और कोर्ट के आदेशों का पालन करवाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण अधिनियमन नियम है 2000 के संशोधन में, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जितने धार्मिक स्थल हैं और जितने सार्वजनिक और स्थल हैं जहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं, लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, वहाँ पे उनको घूम करके ब्रीफ कर रहे हैं कि उसमें उनको जहाँ भी लाउडस्पीकर लगा हुआ है या पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है उनको अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के कहीं पे भी लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं लगेगा। इस संबंध में हम सारे जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने सार्वजनिक, उनको घूम करके ब्रीफ कर रहे हैं। उनके जो भी मौलाना है, पुजारी हैं, मुतवल्ली हैं या प्रबंधकगण हैं, उन सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। उनको हम ब्रीफ कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो प्रारूप आया है उस प्रारूप को भर करके किस प्रकार से उसकी परमिशन ली जा सकती है। सर, ये परमिशन कहाँ से मिलेगी? ये हमारा जो इसमें सारे जितने थानों पे चौकीवार हमने बनाए गए, सारे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसमें हर मंदिर मस्जिद और जितने सार्वजनिक स्थल हैं, मैरिज हॉल्स हैं, जहाँ पे डीजे चलता है, ऑर्केस्ट्रा चलता है, उनको भी नोटिस सर्व कराई जाएगी और उनको भी बिना परमिशन के कहीं भी इस तरह का होने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया है। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी।